बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हैं? आप माह श्याम के रोज़े रखते होंगे, नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, अपने माँ बाप का कहना भी मानते होंगे और कोरोना से भी बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे होंगे। तो आज हम उर्दू बी का पढ़ेंगे, वालदा के नाम ख़त अपनी तलीमी हालत और सेहत के बारे में। ये सफ़ा नंबर 106 के ऊपर मौजूद है। पहले शहर का नाम और उसके बाद डेट, फिर उसके बाद प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद पिछले दिनों आपका मोहब्बत भरा ख़त मौसूल हुआ, आपने मेरी सेहत और तालीम के बारे में दरियाफ्त फरमाया है। इसके बाद ये कटेंगे, ये नहीं करना, फिर आ गया है। आप ये सुनकर यकीनन बेहद खुश होंगी कि अल्लाह ताला के फजल करम और आपकी दुआ से मैंने हर मजमून में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं और अपनी जमात में दूसरे दर्जे पर आया हूँ। आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो आइंदा भी इसी तरह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। अब मेरी सेहत का हाल सुनिए। पिछले दिनों मुझे नज़ला और खांसी की मामूली शिकायत रही और हल्का सा बुखार भी हो गया था, लेकिन अब खुदा के फजल करम से पूरी तरह सेहतमंद हूँ और आप किसी किस्म की फिक्र ना करें। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे। आप जिसके ऊपर कटिंग हुई है वो नहीं करना। आप मेरी सेहत और कामयाबी के लिए दुआ करते रहें। अब्बा जान की खिदमत में बहुत बहुत सलाम, बाजी को सलाम, गोशी और गोशी को प्यार व सलाम, आपका प्यारा बेटा तनवीर अहमद। तो ये बच्चों आपने ख़त करना है वालदा के नाम। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।